हे गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक सूरज में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीटे 5 बाय टेंसेंट गेम की रियलिटी। तो सब जगह यही अफवाह फैली है कि जीटे 5 टेंसेंट गेम को रिलीज़ करने वाला है, मतलब टेंसेंट गेम जीटे 5 गेम को अपने एंड्रॉयड के लिए रिलीज़ करने वाला है। तो उसी के बारे में ही मैं आपको सच बताने वाला हूँ। तो मेरी ये वीडियो पूरी देखना और मैं आपको बता दूंगा कि टेंसेंट गेम सच में जीटे 5 को रिलीज़ करने वाला है क्या नहीं। सो हमारी ये वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टेंसेंट गेम सच में रिलीज कर रहा है जीटे 5 गेम। मैंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च की, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे, बहुत सारे साइट्स में देखा, लेकिन क्या रिजल्ट आया मैं आपको आगे बताऊंगा। और वही टेंसेंट गेम जिसने पब्ज को मोबाइल में रिलीज़ किया है, किसको लगा भी नहीं था कि पब्ज आपके एंड्रॉयड में रिलीज़ होगा, लेकिन वही टेंसेंट गेम जिसने पब्ज को रिलीज़ किया है मोबाइल के लिए, वही टेंसेंट गेम बोला है कि जीटे 5 को भी रिलीज़ करने वाला है। तो उसी के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी गेम 65 GB की, अभी कुछ अपडेट आ गए, कार बाइक 72 GB की गेम हो गई है, तो अभी 62 भी नहीं, 65 भी नहीं, 72 भी नहीं, हम लोग ठहरते हैं 70 GB। तो आप खुद सोचिए, 70 GB की गेम कभी एंड्रॉयड में आ सकती है? नहीं। लेकिन अगर कंप्रेस किया जाए, उसे छोटी बना दिया जाए, ग्राफिक्स कम कर दिया जाए तो हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ग्राफिक्स कम करेंगे? 30 GB की गेम बन जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। 30 GB की गेम आप कभी डाउनलोड करोगे? आपने कभी सोचा तो है 30 GB की गेम आप एंड्रॉयड में खेलोगे? नहीं। अब अगर और उसके ग्राफिक्स कम कर दी जाए, 30 का आधा कितना? 15 GB की होने पर भी ये बहुत ही बड़ी गेम बन जाती है, मतलब आप 15 GB की भी गेम डाउनलोड कर नहीं सकते। तो अभी मैं आपको बता दिया कि हम लोग टेंसेंट गेम को, अगर टेंसेंट गेम जीटे 5 को रिलीज़ करेगी तो बहुत ही बड़े साइज़ में करेगी। अगर छोटा साइज़ कर दिया तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ग्राफिक्स एकदम फालतू होने वाले, जैसे गैंगस्टर न्यू ऑरलियंस खेला है आपने, खेला ही होगा, उसके जैसे ग्राफिक्स और उससे भी कम ग्राफिक्स होने वाले इस गेम के। क्योंकि अभी 15 GB की भी कोई गेम नहीं डाउनलोड कर सकेगा, कम से कम कितना भी कम किया जाए 5 GB की तो हो जाए, होगी नहीं तो भी 5 GB की भी हो जाए तो भी इसका ग्राफिक्स सोचिए आप, 72 GB में कितना ग्राफिक्स आता है जीटे 5 का। वही अगर आप 5 GB में खेलोगे, क्या ग्राफिक्स आने वाला है? कुछ नहीं, इतना फालतू ग्राफिक्स आएगा कि आप सोचोगे भी नहीं। उससे अच्छा आप जीटे सैन एंड्रियास खेलो, उसमें ज़्यादा मिशंस भी आपको मिल जाएंगे, मैप भी मिल जाएगा बस। और अभी हम लोग चलते हैं इसके रैम के ऊपर, रैम कितना रैम लगेगा ये वाली गेम खेलने के लिए। तो अगर आप जीटे 5 पीसी में गेम खेलते हैं तो 8 GB का रैम लग जाता है। तो उसे ही आप एंड्रॉयड में खेलोगे तो कंप्रेस करके 4 GB की, और कंप्रेस कर भी दी 4 GB की हो जाएगी। तो आप सोचिए, क्या आपके पास 4 GB रैम का फ़ोन है? आपके पास है, लेकिन बहुत लोगों के पास 4 GB रैम का भी फ़ोन नहीं है। तो भी रैम भी कितना रैम भी, मतलब अगर रिलीज़ भी हो गई, समझो टेंसेंट गेम ने रिलीज़ कर दी, सो क्या ग्राफिक्स आने वाला है, क्या रहने क्या वाला है उस गेम में? और अगर रैम कम होगा तो स्टक तो कितना होगा भाई, स्टक पे ही ये पूरी गेम चलेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता, मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि टेंसेंट गेम जीटे 5 को रिलीज़ करेगी। क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि पब्ज, जिसने कभी सोचा भी नहीं था पब्ज मोबाइल में आ सकेगी, उसे ही टेंसेंट गेम ने पब्ज को एंड्रॉयड के लिए रिलीज़ कर दिया। सो हो भी सकता है और नहीं भी, मुझे तो लग रहा है नहीं हो सकता, क्योंकि रॉकस्टार गेम बहुत ही बड़ी कंपनी है, टेंसेंट गेम भी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन रॉकस्टार गेम कुछ ज़्यादा ही बड़ी कंपनी है। और मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट रॉकस्टार गेम जीटे 5 का प्रोजेक्ट टेंसेंट गेम को देगी, मुझे नहीं लगता। अब प्रोसेसर की बात करें तो उस गेम को खेलने के लिए मोबाइल कितना प्रोसेसर का रहना चाहिए,
बहुत अच्छा प्रोसेसर लगेगा उस गेम को खेलने के लिए, इतने हाई ग्राफिकल गेम को खेलने के लिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ये रिलीज़ नहीं होगी, सिर्फ मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ कि ये रिलीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत ही बड़ी गेम है गाइस। और अगर कम करके भी दिया जाए तो भी ग्राफिक्स गाइस उससे अच्छा जीटे सैन एंड्रीज ही खेलो, खुश तो रहोगे और कुछ खेलने जैसा भी मिलेगा आपको। तो मैं आपको बता दिया मेरा ओपिनियन कि क्या है टेंसेंट गेम सच में रिलीज़ कर रहा है। हाँ, एक बात आ जाती है कि टेंसेंट गेम ने एक बार डिक्लेयर किया था कि हम लोग जीटे 5 का प्रोजेक्ट लेने वाले हैं। सिर्फ क्यों ऐसा बोला था उन्होंने, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि कितने लोग जीटे 5 मोबाइल के लिए एक्साइटेड है, वही सिर्फ देखना चाहते थे। देख लिया बहुत, पूरी मेरे को तो लगता है पूरी दुनिया ही जीटे 5 मोबाइल में खेलना चाहती है। तो सो मैंने आपको बता दिया, तो आपकी मर्जी, आप इसे राइट सोचो या रॉन्ग सोचो। और हो भी गई तो कमेंट्स में आके मत कहना कि आपने तो बोला था नहीं होने वाली तो भी हो गई। सो प्लीज़ कमेंट में आके मत कहना, क्योंकि मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं इतना बता सकता हूँ कि होगी तो बहुत ही लो ग्राफिक्स में, और उसमें से कुछ पार्ट्स भी, जैसे अभी हम लोग कुछ उसमें मिशन करते तो उससे पहले कुछ वीडियो आ जाते हैं, वो वीडियो भी वो लोग कैंसिल कर देंगे, क्योंकि कितना कंप्रेस करेंगे वो। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि रॉकस्टार गेम टेंसेंट गेम्स को ये प्रोजेक्ट देगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे गेमिंग वीडियोस लेकर आता हूँ। तो चले मिलते हैं अगले गेमिंग वीडियो में और टेक वीडियो में। सो गाइस बाय।